टोंक स्थापना दिवस कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज सुबह यहां के प्राचीन गढ़ में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया, जिला प्रमुख सरोज बंसल, कई लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में सांसद जोनापुरिया ने कहा कि टोंक का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के साथ भाईचारा कायम है। और आज उस परंपरा को, जिस हिसाब से अभी बात हुई केडीएम साहब सन गंगा पे हैं, प्रशासन हमेशा से इसकी मदद करता है। मैं समझता हूँ कि हम सब इस बात के लिए भाग्यशाली हैं कि जिस गंगा जमुना जमीन में आज हम सब रहते हैं, सबका आपस में आपसदारी बनी हुई होती है। और कहीं कहीं बात निकल आती है कि पूर्व जब भी कहीं बसे होंगे, शायद मैंने भी तब से कई बार जन्म यहाँ लिया होगा, तभी मैं वापसी पे लौट हम यहाँ, क्योंकि जब सेवा करने का मौका मिलता है तो तभी आदमी कहीं कहीं किसी न किसी को पूर्व जन्म में कुछ रहता है। टोंक का स्थापना का दिवस जो रखी थी 1946 में रखी गई थी, और वहाँ दिल्ली में जो थे उनके भाई आए थे यहाँ, उनका नाम था राम सिंह जी, और राम सिंह जी आके उनको ख्वाजा की उपाधि थी, तो ख्वाजा की उपाधि आने के बाद में यहाँ उन्होंने अपना स्थान देखा, और उस वक्त यहाँ जंगल था तो उन्होंने अपना स्थान यहाँ बनाया, और यहाँ बनाने के बाद में जब तक वो यहाँ रहे तो अपना विकास करते रहे, जैसे खोजा बावड़ी बनवाई है और दो तीन आइटम और बनाए, उसके बाद में उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने वापस उनको बुला लिया। टोंक का इतिहास अति प्राचीन काल से रहा है। यहाँ पर कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो 2000 साल पूर्व के बताए जाते हैं, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि टोंक का इतिहास महाभारत काल का भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान में हम टोंक में दो उत्सव मनाते हैं, एक टोंक रियासत का उत्सव जिसकी स्थापना प्रथम नवाब अमीरुद्दौला ने की थी, एक टोंक महोत्सव हम टोंक स्थापना का मनाते हैं जो 24 दिसंबर 1946 को ख्वाजा राम सिंह ने की,